हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से वर्डिंग कार्ड के लिए क्लिप आर्ट यूज करते हैं। सब कुछ प्रोसेस आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्डिंग कार्ड के लिए क्लिप आर्ट वगैरह यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी वर्जन है भी तो आप लोग ईजिली यहाँ पर किसी भी टाइप्स का क्लिप आर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो वर्डिंग कार्ड के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट आपको क्या करना है, इंसर्ट वाले टैब के अंदर क्लिक करना है। इंसर्ट वाले टैब के अंदर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर राइट साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मोर सिंबल्स के अंदर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरीके का सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर देखने को मिलेगा। अगर आपको दोस्तों इस तरीके का छोटा देखने को मिले तो यहाँ से आप लोग आपको जितना चाहिए उतना आपको इस तरीके से इंक्रीज करते हुए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर एक फॉन्ट फाइंड करना है, वो फॉन्ट का नाम है दोस्तों 05 आकृति इमेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 05 आकृति इमेज, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यानी कि दोस्तों जितना भी आपके पास आकृति इमेज का फॉन्ट है उस सभी फॉन्ट के अंदर आपको एक एक करते हुए अच्छा अच्छा सा क्लिप आर्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आइकन्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको 02 दिखा देता हूँ। 02 के अंदर भी ढेर सारे यहाँ पर आपको सिंबल्स देखने को मिलेगा। अगर आपको दोस्तों 01 03 इस तरीके का भी है, अगर आपको दोस्तों 04 यूज़ करते हो तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारे सिंबल्स देखने को मिलेगा। 05 के अंदर आपको ढेर सारे वर्डिंग्स के लिए यूज़ करने वाला सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक इस तरीके का ये वाला एलिफेंट का यहाँ पर मैं सिंबल्स दिखा देता हूँ, तो इसको इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको तुरंत इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। अगर दोस्तों आपको इसको फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करते इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आपको मूवेबल बनाना है, यानी कि दोस्तों आपको जहाँ पर इसको रखना चाहते हो तो वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला इतना एरिया को ओनली आपको सेलेक्ट करना है इसी तरीके से। और आपको दोस्तों इस तरीके से बड़ा सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको दूसरा वाला सिलेक्शन भी सब कुछ आपको रिमूव होकर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको जो भी यहाँ पर ये सिंबल्स वगैरह जो भी आपने डिजाइंस किया था वो डिजाइंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर रिमूव होकर देखने को मिलेगा। जस्ट आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों जाना है फिर से इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड के अंदर यहाँ पर वर्ड आर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल के अंदर आप चाहते हो, इसको कलर वगैरह बनाना चाहते हो, तो जो भी आपको यहाँ पर स्टाइल चेंज करना चाहते हो वो स्टाइल्स के अंदर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों मैं यहाँ पर एक सिंबल सा वर्ड स्टाइल 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट वही वाले फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा 05 आकृति इमेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर 05 आकृति इमेज सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर एलिफेंट आ चुका है, जैसे इसको ओके करना है तो ओके करने के बाद इसका टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इसको आपको जहाँ पर भी मूव कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना आपको इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो भी आप इसके अंदर करना चाहते हो तो वो काम आप लोग इजीली कर सकते हो। जस्ट इसके अंदर आपको जो भी कलर पसंद है, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, जो भी आपका आउटलाइन वगैरह देना है, आउटलाइन के अंदर भी इसी टाइप का कलर देना है तो वो सब कुछ काम कर सकते हो, या फिर आउटलाइन नो आउटलाइन कर सकते हो इस तरीके से। एक यहाँ पर एलिफेंट डाल चुका है, ये भी वेडिंग कार्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से इंसर्ट सेम प्रोसेस सिंबल मोर सिंबल, और आपको दोस्तों यहाँ पर ये वाला बैंड का एक इस तरीके का सिंबल्स है तो इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के दोस्तों इसको क्लोज करना है, फिर से इसको सेलेक्ट करना है वर्ड आर्ट वर्ड स्टाइल 1। जस्ट आपको सेम प्रोसेस आकृति इमेज 05 आकृति इमेज आपको सेलेक्ट करना है। तो स्क्रॉल अप करते हुए यहाँ पर मैं 05 आकृति इमेज सेलेक्ट करूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पर भी आ चुका है इसको टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इसको भी आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा करते हो, इसको जो भी कलर आपको पसंद है, जैसे कि ब्लू,
ब्लैक वगैरह आउटलाइन वगैरह रिमूव करते हैं, इस तरीके से इसको इधर रख सकते हो। इसको भी आपको जहाँ पर भी डिजाइंस वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से इंसर्ट, आपको दोस्तों यहाँ पर फिर से सिम्बल्स, आपको जाना है सिम्बल्स, मोर सिम्बल्स, फिर से आपको चाहिए जो भी आपको शेप्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कॉलर्स वगैरह चाहिए, तो इसको क्लिक करते हुए जस्ट यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। तो इसको फिर से यहाँ पर इसको क्लोज करना है। तो आपको सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जस्ट इतना ही सेलेक्ट करना है, इतना सेलेक्ट नहीं करना है। इतना सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो भी मैंने इंसर्ट किया था वो सब कुछ यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको इतना ही सेलेक्ट करना है। आपको जाना है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट के अंदर क्लिक करना है, वर्ड आर्ट स्टाइल वन, जस्ट आपको सेम प्रोसेस आपको 05 आकृति इमेज फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों देख सकते 05 आकृति इमेज फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको क्लिक करते हुए ओके कर दूंगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इसको सेम प्रोसेस आपको जो भी कलर जैसे कि ग्रीन कलर, आउटलाइन वगैरह, नो आउटलाइन करना है, तो इस तरीके से करते इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसको दोस्तों इधर रख सकते हो। तो फिर से मैं दोस्तों और एक आपको सिम्बल्स यूज़ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मोर सिम्बल्स। तो यहाँ पर मैं ये वाला अग्नि वाला इस सिम्बल्स का यूज़ करूँगा, तो इसको क्लिक करते हुए इंसर्ट कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसको फिर से क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा वर्ड आर्ट स्टाइल वन, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर इस तरीके से वर्ड 05 आकृति इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 05 आकृति इमेज, जस्ट इसको ओके। तो अग्नि वाले आपको कलर ब्लैक देना है तो ब्लैक दे सकते हो, और आपको दोस्तों इसको आउटलाइन नो आउटलाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इस तरीके से आपको। और टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इसको शिफ्ट होल्ड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको जहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप लोग इस तरीके से ये वाला को ब्लैक कलर रखते हुए, यहाँ पर व्हाइट कलर रखते हुए इस तरीके से मैनेज वगैरह कर सकते हो, और भी आपको सुंदर सा प्यारा सा लुक देखने को मिलेगा। फिर से आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए सिम्बल, मोर सिम्बल्स, और आपको दोस्तों जो भी सिम्बल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिम्बल्स फाइंड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला ओम वाले, तो कुछ इस टाइप का ये वाला जो भी है, इसको मैं इस तरीके से क्लिक करते इंसर्ट करूंगा। तो इसको क्लोज करूंगा, इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा वन आउट वर्ड स्टाइल वन, जस्ट यहाँ पर मैं इस तरीके से 05 आकृति इमेज यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के जस्ट ओके, तो इसको आप चाहे तो ब्लैक कलर या फिर रेड कलर, इसको आउटलाइन वगैरह नो आउटलाइन, तो इसको सिंपली टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते हुए यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको जितना सिम्बल्स आपको चाहिए तो आपको इस तरीके से इजीली सिम्बल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिम्बल से गणेश वगैरह चाहिए तो इसको इंसर्ट कर दूंगा, तो इसको क्लोज कर दूंगा, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं वन आउट स्टाइल वन, जस्ट यहाँ पर फिर से ये वाला आपको टेक्स्ट जो भी आता है वो टेक्स्ट आपको रिमूव नहीं करना है, ध्यान रखे दोस्तों। तो इसके इस तरीके से क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको फॉन्ट फिर से फाइंड करना है 05 आकृति इमेज, तो यहाँ पर मैं 05 आकृति इमेज सेलेक्ट करते इसको ओके कर दूंगा। तो लाइक दिस वन, तो इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करते इस टाइप को, यहाँ पर भी सिम्बल्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला अच्छा सिम्बल्स है वाइंग गार्ड के लिए, जो भी आपको सिम्बल्स चाहिए तो वो सिम्बल्स आप लोग यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हो, निकाल सकते हो, बना सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारे सिम्बल्स मिलेगा, और दोस्तों आपको 06 के अंदर भी ढेर सारे सिम्बल्स देखने को मिलेगा, 07 के अंदर भी ढेर सारे सिम्बल्स वगैरह देखने को मिलेगा, अगर आपको जो भी सिम्बल्स पसंद है तो। यहाँ पर आपको 08 के अंदर भी ढेर सारे कॉर्नर वगैरह के लिए सिम्बल्स है, जैसे कि वेडिंग कार्ड बनाने के लिए आपको कॉर्नर वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 09 के अंदर भी ढेर सारे सिम्बल्स आपको बनाए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको 010 के अंदर भी ढेर सारे सिम्बल्स वगैरह है, जैसे कि जो भी आपको डिजाइन वगैरह करना चाहते हो उसके अंदर आपको ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर 011 यानी कि 11 के अंदर भी ढेर सारे सिम्बल्स वगैरह, जैसे कि ये वाला सिम्बल्स मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको ये वाला सिम्बल्स को सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा, तो ये क्लोज कर दूंगा। तो इसको सेलेक्ट करते हुए ये वाला भी यहाँ पर मैं वर्ड आर्ट वाला स्टाइल वन सेम 011 यानी कि 11 आकृति इमेज यहाँ पर मैं फॉन्ट फाइंड कराऊँ, जो आपने वो फॉन्ट सेलेक्ट किया था वही फॉन्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी, जस्ट इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पर आपको जो भी कलर पसंद है जैसे कि रेड वगैरह, आउटलाइन वगैरह, नो आउटलाइन लगाकर इस तरीके का सिम्बल्स वगैरह आपको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि इमेजेस वगैरह। वेडिंग कार्ड के लिए जितना भी आपको सिम्बल्स इमेजेस चाहिए तो यहाँ पर इस वाले फॉन्ट के अंदर आपको ईजीली देखने को मिलेगा, आकृति इमेज फॉन्ट के अंदर ढेर सारे।
तो इस तरीके से यहाँ पर मैं 0 to 12 भी सेट करूँगा, तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारे कॉर्नर वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके का सिम्बल्स वगैरह आपको यूज़ करना है तो वेडिंग कार्ड या फिर जो भी डिज़ाइन के अंदर आप बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से इजीली सिम्बल्स वगैरह यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ाइंस को इन्हेंस कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल वाली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो और किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।